अस्सलामुअलैकुम। अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे दही बड़े। इसमें के लिए हमें पहले चाहिए 1 कप बेसन। उसमें हमने ये नमक ऐड किया है। इसमें हम डालेंगे अजवाइन, और ये हमारे पास पिसा हुआ ज़ीरा, इसके अंदर हमने बेकिंग सोडा डालना है वो, लेकिन हम इसको पहले अच्छी तरह मिक्स कर लें, फिर उसके बाद एंड पे हमने इसके अंदर डालना। अब इसके अंदर हम डालेंगे सूख मिर्चें, इसके अंदर हम थोड़ा करके पानी डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। इसको हमें अच्छे से इस तरह कर लेना बना लिया हमने। अब इसके अंदर हमने बेकिंग पाउडर डाला, लेकिन वो इसका हम एंड पे डालेंगे, पहले नहीं डालना अभी। इसको अभी हम आप रख देंगे आधे घंटे के लिए, जब तक हम वो दही का बना लेते हैं। इसको आधा घंटा हो के अब इसके हम बनाएंगे दही बड़े। इसको हमने आस्ता आंच पे बनानी है ताकि अंदर से भी सही तरह ये पक जाए। ये इसके अंदर हमने डाल लिया है बेकिंग सोडा। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि इसके अंदर कोई भी ऐसा जुड़ा सा ना हो, अंदर से कुछ भी ऐसे ना उसको बना लेना। इसको ज़्यादा पतला भी नहीं करना, थोड़ा सा थिक रखना है इसको। इस तरह इसकी शेप आनी चाहिए। इसको आहिस्ता आंच पे पकने दें ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें। उनकी अब हम साइड चेंज करेंगे। ये बहुत इजी रेसिपी है, आप घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। ये हमारे दही बड़े रेडी हो गए। इसको हम ऐसा करके
इसके बाद हमने ये इनमें पानी डाल दिया है दही भल्लों में, ताकि थोड़े सॉफ्ट से हो जाए। 10 मिनट के बाद इसको फिर हम दही में डालेंगे। ये हमारे मज़ेदार दही भल्ले तैयार हो गए हैं। इसके ऊपर हमने इमली की चटनी डाली है।